हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर क्लास में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको जीडी सेफ ओरल सस्पेंशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जीडी सेफ ओरल सस्पेंशन एक एंटीबायोटिक है। ये कैसे यूज किया जाता है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, क्या इसका दाम है, सब बताऊंगा। इससे पहले प्लीज मेरे इस चैनल मेडसेट क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए। दोस्तों, हम काफी सारे वीडियोस बनाते हैं मेडिसिन पर, कॉस्मेटिक्स पर रिव्यू देते हैं, साइड इफेक्ट से लेकर उनके कॉम्प्लिकेशन तक। प्लीज हमें सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जीडी सेफ एक जो इसका जो कंटेंट यहाँ पर देख सकते हो, इसका जो कंटेंट है कोलिस्टीन है। दोस्तों, कोलिस्टीन जो होता है, ये आपको कोलिस्टीन सल्फेट आपको एंटी डायरियल यानी लूज मोशंस यानी दस्त के लिए यूज किया जाता है। एक एंटीबायोटिक होता है। इसके अंदर यहाँ पर बाजू में देख सकते हो एक पाउडर का डब्बा हुआ है, उसके बाजू एक थोड़ा सा पानी है, दैट इज स्टराइल वाटर कहा जाता है, जो कि एक पैक में आ जाता है। दोस्तों, ये 30 ml का पैक हो जाता है जब आप पानी डालोगे, और इसको बना स्विफ्ट कंपनी ने। दोस्तों, इसके अंदर आप जब पानी डालोगे तो आप ये सोल्यूशन बन जाएगा, तो आप बच्चे को दे सकते हो। दोस्तों, सवाल नंबर एक, क्या ये हर मोशन को देना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, कभी कभी एंटीबायोटिक जरूरत नहीं पड़ेगी मोशन के लिए, तो इसलिए अवॉइड करें, बेहतर रहेगा। और ये दवाई क्या डायरेक्टली दे सकते हो? नहीं, आपको डॉक्टर की सलाह लेकर ही देना पड़ेगा, क्योंकि अगर रॉन्ग देते हो तो लूज मोशन ज्यादा हो जाते हैं। दोस्तों, कोलिस्टीन जो होता है ये एंटीबायोटिक, जैसे मैंने बोला कि मोशन में अगर एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड डायरिया होता है तो आपको बहुत हेल्पफुल करता है। ये आपको 68 rupees में मार्केट में मिल जाता है, या तो ऑनलाइन भी देख सकते हो, लेकिन डॉक्टर पर्ची के बगैर मत खरीदिए दोस्तों। और इसका जो मिक्स करके आपको 5 से 7 दिन तक यूज करनी होती है, मैक्सिमम आपको 15 दिन के अंदर यूज करनी होती है। उससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट स्टार्ट होंगे, टेस्ट बदलेगा, उसकी इफेक्टिविटी कम होती जाती है। और ये आपको फ्रिज में रखना बेहतर रहेगा। अगर नहीं है फ्रिज तो आप बेडरूम में रख सकते हो, लेकिन दूसरे बच्चों से, छोटे बच्चों से दूर रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे साइड इफेक्ट वॉमिटिंग हो सकती है, कभी कभी लूज मोशन ज्यादा हो सकते हैं, पेट दर्द भी हो सकता है। वरना ये बाकी सब सेफ है, बहुत अच्छा और बढ़िया रिजल्ट्स देने वाली ये एंटीबायोटिक सिरप आपको बहुत कामयाब देती है। दोस्तों, इसके साथ साथ कोई प्रोबायोटिक या प्रीबायोटिक भी ऐड किया जा सकता है, डिपेंड करता है डॉक्टर की सलाह। ओके, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। टेक केयर, बाय।